हाँ बोल। क्या बोल क्या रही है? एक तो नेटवर्क ने ऐसी तैसी कर रखी है। हेलो, हाँ हाँ बोल। हेलो, घर के पीछे गली में आना। क्या बाहर आई हुई है क्या? मैं नहीं आई, आगे गली में हरे रंग का कचरे का डब्बा दिख रहा है। अरे सारी गली ही कचरा है, किधर खड़ी है बताना। फेंक दे अपना 2 रुपल्ली का फोन उस कचरे के डिब्बे में। अरे मजाक मत कर यार, फीस भरने जाना है मुझे। अरे ये पायदान कब बदलेगा? रोज गिर किसकी? जाता हूँ तेरे इससे बहन उलट की के। बेटी की? पहले ही मरमर की शादी कराई है, अब उसका घर भी तू ही संभालेगा? हाँ और कुछ बोलना है तुझे? दांत चमक गए हो साहबजादे के तो चाय दे जाइए। और कुछ बोलना है तुझे? बाप चिल्ला रहा है मेरा चाय के लिए, तवे पे बैठा है चढ़ के। गया इस बार भी तेरा स्मार्टफोन स्कूल की फीस भरने में। हाँ तो क्या करूं, जीजा हीरो बना फिर रहा है, नौकरी करनी नहीं है, लाड़ साहब को बिजनेस करना है, तो किसी को तो करना पड़ेगा ना यार। अच्छा सुनना, मैं तुझे कब से कह रही हूँ, मैंने बॉस से बात कर रखी है, तू प्रोडक्शन की फील्ड वर्क में छा जाएगा यार, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे जाना शुरू के 3 महीने सिर्फ आने जाने का खर्चा दे रहा है वो, तब तक घर का खर्चा कौन देखेगा? तू मर समाज सेवा में, साले दिखने में अच्छा ना होता ना तो कब का छोड़ चुकी होती। तू ऐसा है क्या? रहने दे। आ रहा है? आ रहा हूं। आया। प्राइवेट नौकरी का तो यही है, बाद में पेंशन का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। भाई साहब हमारी तो सारी उम्मीदें जो है ना मनोज से हैं, अगले साल अफसर लग जाएगा फिर बदलेंगे सबके दिन। आप अब भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अरे हटाइए, माँ तो रही नहीं इन बच्चों की, किसके लिए बदन तोड़े। बड़े की शादी की सोची? कर दीजिए, घर संभालने के लिए कोई चाहिए? हाँ जी, लड़कियां तो पेड़ पे लटकी पड़ी हैं। हाथ बढ़ाया और लप से तोड़ लिया। भाई साहब लड़कियां आजकल सब देखती हैं, पढ़ाई लिखाई शौर पैसा। वैसे कोई हो आपकी नजर में तो बताइएगा, कोई शरीफ सीधी सादी। उस गरीब का भी उद्धार हो जाए और फोन उठा ले। अरे आप लीजिए ना। हाँ बोल। भैया वो फाइनल सेमेस्टर की फीस। क्या? अरे आवाज नहीं आ रही यार, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ फाइनल सेमेस्टर की फीस देनी है। हाँ वो कर रहा हूँ मैं, मेरे को 1 हफ्ता दे हो जाएगा। और भैया वो ना अगर 2,000 एक्स्ट्रा हो जाते तो देख लो ना, वो फेयरवेल का फंक्शन है तो कपड़े लेने हैं। हाँ भैया तुम ले लो कपड़े, हमारे उतरवा दो, मैं भाई फीस कर दूंगा, उससे ज्यादा अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। भैया देख लो ना यार कहीं से, इस बार वो लास्ट ये है वो। चलना यार लास्ट है इज्जत की। यार क्या? हाँ बोलो। सुनो मूवी देखने चलेगा? हाँ हाँ मूवी देखनी है तो घर आ जाना मेरे, मेरे बाप की चालू रहती है। मनोज की देखिएगा भाई साहब, मार्केट में उतरते ही लाइन लग जाएगी। हाँ। अच्छा भाई साहब आप इजाजत दीजिए। बड़ा अच्छा लगा आप आए, आते रहा कीजिए। अरे लेकिन कभी आप भी तो दर्शन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आइए। देख ले जो भी है। आज वो बात करनी है ना पैसे की मालिक से, आज तो ओवरटाइम करवाएगा। क्या यार कभी तो एक बार में हाँ बोल दिया कर। अरे तो क्या करूं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? हमारा प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर लेना यार। तुझे घूम फिर के एक ही राग अलापना आता है, वही अलापती रहती है। अरे चलेंगे बेटा एक दिन, डोंट वरी। साले आवाज अच्छी ना होती ना तो कब का छोड़ देती। अच्छा ऐसा क्या? रहने दे। अरे सुन वो पायदान लाया? कल ले आऊंगा। अब कल कब आएगा? अच्छा वो फॉर्म भरा तूने एमकॉम का? हैं क्या हुआ, गले में वो कुकर की सीटी अटक गई क्या? मुझे नहीं करनी एमकॉम फेमकॉम। अरे प्राइवेट पढ़ते जाओ आगे, हैं 4 पैसे भी बढ़ते जाएंगे और रुतबा भी बढ़ जाए शायद। उसके लिए पैसे लगते हैं और मेरे तो वैसे ही। तो हिलाना हड्डी, हिला हड्डी है? लोग वो रात में डबल शिफ्ट ना करते, यूं ही बन जाते क्या बड़े अफसर? अपने भाई को देख ले, मरना रहा वो पढ़ पढ़ के है? और कल को
तू भाई के आगे नौकर लगेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? ठीक है, मुझे क्या है, रह निकम्मा का निकम्मा। अच्छा, मूवी देखने चलेगी? क्या इस वक्त? हाँ, लेट नाइट शो है 11 बजे का, ठग्स ऑफ वासेपुर। अरे नाम तो सही ले ले, वैसे भी मूवी फ्लॉप गई है। अरे तो अच्छी बात है ना, कॉर्नर वाली सीट मिलेगी एकदम मस्त वाली। जल्दी बोल साले, रोमांटिक ना होता ना तो कब का छोड़ चुकी होती। ऐसा क्या भक? चल जल्दी मिल घर के पास। चल बाय। रेनु रना धीम धू